आज की वीडियो में बात करेंगे जो आरसीएमएस पोर्टल पे कैसे आप उसमें आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगा पूरा डिटेल से। और इसमें कौन कौन से आप आवेदन कर सकते हैं तो मैं आपको बताऊं, इसमें आवेदन देख सकते हैं आप यहाँ पे जो ढेर इतने प्रकार के आप आवेदन कर सकते हैं और उनके लिए जो उपलब्ध सुविधा है उसके बारे में बताऊँ, इसमें पूरा कौन कौन सी सुविधा है इसमें और उसके आवेदन कैसे कर सकते हो आप देख सकते हैं। इसमें ज़मीन का नामांतरण हो तो आप यहाँ पे नामांतरण के लिए आवेदन यहाँ से कर सकते हैं और समय सीमा भी दी गई है कि आप इसमें आवेदन करेंगे तो आपका जो अविवादित नामांतरण होगा जो भी ज़मीन का होगा तो उसमें 30 दिन के अंदर आपका नामांतरण हो जाएगा। और बंटवारा की आवेदन की बात करें तो इसके लिए यहाँ से आवेदन कर सकते हैं अविवादित बंटवारा हेतु 30 कार्य दिवस। तो इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट है जो खेती का जो सीमांकन होता है, जब खेत का सीमांकन मतलब खेत के नापने के लिए जो आवेदन होता है वो भी यहाँ से कर सकते हैं, सीमांकन के लिए आवेदन यहाँ से कर सकते हैं आप। राहत हेतु अगर आपको किसी की प्रकार की राहत चाहिए, जैसे बरसात के कारण आपका घर गिर जाए या फिर आप का और किसी भी बीमारी से आपको परेशान है तो उसके कारण इलाज के लिए आपको राहत के लिए यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। आवासीय पट्टे हेतु भी आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। और आवास और बात करें जो इम्पोर्टेंट है ये BPL आवेदन, जो BPL कार्ड के जो आवेदन होते हैं उसके लिए भी आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्टल है आपके लिए और आप इसमें से लगभग सभी प्रकार के आवेदन इसमें, और इसके में जानकारी की बात करें तो आप यहां से अपने प्रकरण जो भी आवेदन रहता है उसका जानकारी भी यहां से सर्च कर सकते हैं। जैसे आपने कोई आवेदन किया यहां से और उसका जो एप्लीकेशन नंबर आता है उस एप्लीकेशन नंबर यहां पे डाल के आप इसमें आवेदन भी सर्च कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ जैसे यहाँ पर देखें आप BPL का ही आवेदन यहाँ पर तक का है, BPL कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ये BPL आवेदन, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं आप इतना पूरा प्रोसेस रहेगा। ये आवेदक का प्रकार जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए थे तो यहाँ पर कई क्लिक पड़े और यहाँ पे शहरी क्षेत्र के लिए तो अलग अलग दोनों के लिए। यहाँ पर आपका जो समग्र आईडी रहेगी परिवार की, जो परिवार आईडी रहती है वहाँ पे यहाँ डालेंगे, उसके बाद अपना जिला सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका जिला हो, उसके बाद आपको समग्र जानकारी प्राप्त करें यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद इसमें पूरा डिटेल भरना पड़ेगा आपको, आप देख सकते हैं इसमें पूरा डिटेल, तो आप इसमें अपने हिसाब से जो भी है इसमें भर सकते हैं। और उसके बाद शिक्षा का स्तर, अगर आप में कोई पढ़ा लिखा हो तो उसको कौन सा शिक्षा है, मिडिल है, हाई स्कूल है, जो भी आपको पढ़ा हुआ, और उसके बाद ये आवेदन में जो भी है फॉर्म ये पूरा देखें आप, इसका कंडीशन जो भी है अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अपना फॉर्म भरने के बाद आपको यहाँ पर यहाँ टिक करना पड़ेगा और यहाँ पर अपने आवेदक का फोटो रहेगा जो फोटो यहाँ पर लगाना, उसके बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपको एक रिसिप्ट प्राप्त होगी और इसके बाद आपके जो आवेदन है उसके लिए आपको अब यहाँ पे नायब तहसीलदार या तहसीलदार के पास आपको पेशी पड़ेंगे और उस पेशी में आपको उपस्थित होकर अपने पक्ष रखेंगे, उसके बाद आपको ये BPL का कार्ड पटवारी द्वारा या ये बनाया जाएगा। और उसको अगर आपकी जानकारी अच्छी लगी हो और उससे जुड़ी हो और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।